अभिनेता ऋतुराज सिंह का 59 साल की उम्र में 20 फरवरी को निधन हो गया। कार्डियक अरेस्ट की वजह से ऋतुराज सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। ऋतुराज को अंतिम विदाई देने इंडस्ट्री के कई सितारे पहुंचे। हर किसी की आंखें नम थीं। इस दौरान ऋतुराज सिंह की बेटी की भी झलक देखने को मिली, जो पिता के यूं चले जाने से बुरी तरह टूट गई हैं। बेटी ने ही अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और उनकी अर्थी को कंधा दिया। बहुत बेहद ही पसंद था वो इंसान, बहुत ही प्यारा इंसान है वो, अच्छा एक्टर है, इज अ नाइस गाय, बट अनफॉर्चुनेट आई मीन आज। लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी उनसे? काफ़ी टाइम हो गया उस बात में, बिकॉज हम लोग शिफ्ट हो गए ना, तो मुलाकात इतनी नहीं होती, बट आई थिंक रिलेशनशिप अच्छा ही रहेगा हमेशा। उन्होंने काफ़ी अलग अलग किरदार निभाए, वो अभी भी लोगों के जहन में जी, उसके बारे में आप जानते हैं? इज अ गुड एक्टर यार, अभी क्या कहना, आई मीन What can I say? He's a lovely human being. He's a great actor. I feel bad for his family, and I really hope that they're strong kids. The family, they were very good. They're good. They're strong kids, strong wives. They're good. So I just pray for him. I'll always pray for him. And once again, I think he's a beautiful human being. Feel very bad for him. Thank you. बात तो यकीनन बहुत दुखद है, लेकिन जिंदगी और मौत पे किसी इंसान का अख्तियार नहीं है, ये ऊपर वाला आपको भेजता है, सांसें गिनकर भेजता है कि आप कितने दिन जिएंगे, कितनी सांसें लेंगे। आनंद का एक डायलॉग था कि बाबू मुशाई, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ऋतुराज ने भले लंबी जिंदगी ना जी हो, लेकिन बहुत बड़ी जिंदगी जी उन्होंने, बहुत काम किया, कर्मयोगी थे, कर्मठ थे, काम में विश्वास रखते थे, बहुत टैलेंटेड थे, और उसी टैलेंट के बलबूते पर उन्होंने अपनी एक जगह बनाई। बनेगी अपनी बात से उनकी शुरुआत हुई, और बनेगी अपनी बात से उनकी ऐसी बात बनी कि कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, काम करते रहे, मुस्तकिल काम करते रहे, और पारिवारिक इंसान थे, ही वॉज अ फैमिली मैन, डीपली अटैच विथ हिज फैमिली। कभी कोई उन्होंने स्टंट नहीं खेला पब्लिसिटी पाने के लिए, उन्होंने सिर्फ काम में विश्वास किया, और अपने एक्टिंग के बलबूते पर उन्होंने अपनी एक बहुत ही मजबूत जगह बनाई, जो बहुत कम लोग बना पाते हैं। काफ़ी मेरी उनसे एसोसिएशन रही, वक्त की रफ्तार, रिश्तों की डोर, और वही सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर एक फिल्म बनी है OTT की, उसमें भी हम लोग साथ थे, ज़्यादा दिन नहीं हुए हमें शूट करते हुए। तो जो कुछ भी पाया उन्होंने अपने टैलेंट के बलबूते पर पाया, और बड़ा उनमें आत्मविश्वास था, काम करने में एक ऐसी कन्विंसिंग पावर थी, एक ऐसा कन्विक्शन था कि जो कहते थे एज एन एक्टर, वो लगता था कि वाकई जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, ही इज़ राइट। बहुत कम एक्टर्स में इतना आत्मविश्वास होता है, इतना ठहराव के साथ काम करते थे, बहुत कम लोग कर पाते हैं ऐसा काम। ठीक है, अमृत पीकर तो कोई नहीं आया है, जाना तो सबको है, किसका स्टेशन पहले आता है, किसका बाद में आता है, ये
सिवाय ऊपर वाले के कोई जानता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो ज़िंदगी जी है वो एक बहुत ही कामयाब ज़िंदगी जी है, एक भरपूर ज़िंदगी जी है, एक एक अपनी एक एक अटूट जगह बनाई उन्होंने दर्शकों के दिलों में, और वो जो जगह है वो हमेशा रहेगी, उनका किया हुआ काम बार बार आता रहेगा। आखिर में यही कहूँगा उनके बारे में कि यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं, यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं ज़िंदगी में हज़ार हाँ, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं, यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।